शिवपुरी सर्किल जेल में बंद कैदी इस समय मोदी जैकेट बनाकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। शिवपुरी की जेल में बंद कैदियों को मोदी जैकेट बनाने का प्रशिक्षण दिया गया और इसके बाद अब यहां 24 कैदी जैकेट बनाने का काम सीख रहे हैं और प्रतिदिन एक बंदी 15 से 20 जैकेट बना रहा है। इन जैकेटों को शिवपुरी सर्किल जेल में प्रदेश की विभिन्न केंद्रीय जेलों में भेजा जा रहा है, जिससे इन कैदियों की आय हो रही है और एक जैकेट 200 से 300 रुपए में बिकती है, जिससे बंदी को अच्छी आमदनी हो जाती है। इस मोदी जैकेट की बिक्री से जो राशि आ रही है वह कैदियों के खाते में जमा कराई जा रही है। शिवपुरी की जेल में बनाई जा रही मोदी जैकेट का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया है और सर्दियों के इस दौर में ठंड बढ़ने का बाद इसकी डिमांड भी और ज्यादा बढ़ गई है। शिवपुरी सर्किल जेल में अधीक्षक रमेश चंद्र आर ने बताया कि शिवपुरी में बंद कैदियों द्वारा बनाई गई 3500 जैकेट विभिन्न केंद्रीय जेलों में भेजी जा चुकी है। जेल में बंद कैदी राजेश कुशवाहा ने बताया कि उन्हें जेल में बंद रहते हुए जैकेट बनाने के प्रशिक्षण मिला, इसके बाद वह मोदी जैकेट बनाने लग गए। प्रतिदिन 15 से टेक इसके बाद वह मोदी जैकेट बनाने लगे हैं, प्रतिदिन 15 से 20 जैकेट बना लेते हैं। जी, हमारे यहाँ लगभग एक वर्ष पूर्व सिलाई के कार्य में हमारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, उनके माध्यम से बदरवास में जो जैकेट कारोबारी हैं उनके माध्यम से एक हमने यहाँ ट्रेनिंग दिलवाई। ट्रेनिंग दिला के हमारे बंदियों को बाकी संसाधन जुटा के हमने ट्रेनिंग दिलवाई। ट्रेनिंग देने के बाद जैकेट सिलाई का काम शुरू किया है। तो जो मोदी जैकेट के नाम से विख्यात है, ये जैकेट हमको हमारे जेल मुख्यालय के अनुमति से सभी केंद्रीय जेलों में जो दंडित बंदी हैं उनके पहनने के लिए देने का अवसर मिला है और हमने अभी तक लगभग 3500 जैकेट बना के प्रदाय की हैं और इससे जो आय हो रही है वो बंदियों के पारिश्रमिक के रूप में उनको उनके खाते में पैसा जमा हो रहा है, जिससे वो अपने आवश्यकता की चीज़ें जेल में रहते हुए या बाहर जाने पे खरीद के वो अपना उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से एक सकारात्मक काम में जुड़ के उनकी सजा भी कट रही है और एक आत्मनिर्भर बनने का उनका जो उद्देश्य है वो पूरा हो रहा है। जेल से रिहा होने के बाद ये चाहें तो अपने घर पे भी इसका व्यवसाय शुरू करके अपने को पुनर्स्थापित कर सकते हैं। क्या कर रहे हैं आप? जी सर, मेरा नाम राजेश कुशवाहा है, बदरवास का रहने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे जो भी जैकेट का काम चल रहा है वो उसमें रुचि लेके जैकेट बनाना सीखी, जिससे मेरा मन लगा रहता है, फिजूल कामों से बचा रहता हूँ, तो जिसमें मुझे अच्छा लगता है और जेल काटने में कोई समस्या भी नहीं होती। तो कितने लोग आपके साथ जैकेट बनाना सीख रहे हैं? जी लगभग 24 लोग हैं। सब अच्छा सीखते हैं? जी सब करने लगे हैं। तो आपने जैकेट बनाना, आप कितनी जैकेट बना लेते हो आप एक दिन में? जी लगभग 15 जैकेट बना सकता हूँ मैं। अच्छा जी।